हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम का डिलाइट। सो ये है न्यू अपडेटेड हुंडई क्रेटा। सो यहाँ पे BS6 फेज 2 के अकॉर्डिंग से अपडेट करा गया है, तो एक यहाँ पे न्यू फीचर भी ऐड करा गया है। साथ में जो इंजन है वो भी पहले से ज़्यादा को ट्यून मिलते हैं। सो मैं शेयर करने वाला उसका एक कंप्लीट डिटेल वॉक अराउंड। दिस इज द EX मॉडल जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है, एंड क्रेटा की जो ओवरऑल एवरेज मंथली सेल है वो भी आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये बेस्ट सेलिंग व्हीकल है। सो क्रेटा एंड ग्रैंड विटारा दोनों ही काफ़ी अच्छे नंबर में सेल हो रही है इस टाइम, एंड शेयर करते हैं इसका एक डिटेल से वॉक अराउंड। फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। सो राइट ऑफ फ्रंट यहाँ पे आपको कुछ ऐसे डेटम रनिंग लाइट्स मिल जाती है, पोजीशनिंग लैंप है बेसिकली के लिए, तो कुछ ऐसी आपको लैम्प मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, हाई बीम लो बीम दोनों ही प्रोजेक्टर हेलोजन में दी गई है। यहाँ पे फॉलो मी होम एंड लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन भी अवेलेबल है। इसके साथ यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, एंड बिग साइज की फ्रंट ग्रिल विद ब्लैक फिनिश सिल्वर फिनिश। एंड यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं फ्रंट में जो स्किड प्लेट लगी हुई है, ये है बेसिकली पार्ट ऑफ एसेसरी, तो ये भी आप लगवा सकते हैं, जिसका प्राइस है 12,000 रुपीज़। और ये है साइड प्रोफाइल। एंड इसी के साथ दोस्तों जो ओवरऑल डायमेंशन कंपैरिजन है वो भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो दिस इज़ द कंप्लीट डायमेंशन एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन विद द राइवल कार्स। और ये है गाइस क्रेटा का अपडेटेड प्राइस। सो बेसिकली यहाँ पे जो प्राइस है उसको भी अपडेट करा गया है। एंड इसी के साथ अगर आप किसी भी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट चेक करना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट, वो भी 10 साल तक की। हर साल यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होने हैं, क्या क्या पार्ट्स डलने, कौन सा ऑयल डलना है, वो सब वहाँ पे लिस्टेड है कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो हर एक साल की वहाँ पे आप एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट चेक कर सकते हैं विद द लेबर कॉस्ट एज वेल। सो अभी अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट के ऊपर, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इसी के साथ यहाँ पे आप साइड में देखेंगे तो व्हील आर्चेस क्लैडिंग अवेलेबल है, साइड बॉडी क्लैडिंग आपको मिल जाती है, यहाँ पे साइड स्कर्टिंग भी दी गई है इवन। और ये है पार्ट ऑफ एसेसरी जो है साइड स्ट्रिप, तो ये भी आप लगवा सकते हैं अलग से, जिसकी कॉस्ट है 15,000 रुपीज़। एंड ये है स्टील व्हील विद व्हील कवर्स 205x65 16 इंचेस के, आपको यहाँ पे रिम्स मिल जाते हैं, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। देन रूफ रेल्स इस मॉडल में अवेलेबल नहीं है, वो भी बाद में इंस्टॉल हो जाती है। और यहाँ पे सिल्वर फिनिश जो कि आपको क्रेटा के हर एक मॉडल में मिल जाएगी, यहाँ पे ब्लैक फिनिश, ऊपर शार्क फिन एंटेना। और ये है रियर लुक, तो रियर में यहाँ पे स्पॉइलर दिया गया है, एंड साथ में आपको डिफॉगर एंड वाइपर नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। इसकी वीडियो एक ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है एसेसरीज़ की, एंड एक और भी बहुत ही जल्दी आने वाली है। इसके साथ यहाँ पे आपको जैसे वाइट कलर आप देख रहे हैं, सिल्वर कलर, ग्रे कलर, ब्लैक कलर, मल्टीपल कलर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द टेल लैम्प, एडजॉइनिंग आपको नहीं मिलती लेकिन एडजॉइनिंग आप करवा सकते हैं बाद में। और सेंटर में यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प आपको मिल जाएगा, साथ में क्रेटा की बैजिंग, लाइसेंस प्लेट की लाइट्स हेलोजन में, और रियर में सेंसर मिल जाते हैं। और ये भी अगेन पार्ट ऑफ एसेसरी है, ये है रियर डिफ्यूज़र जिसकी कॉस्ट है 15,000 रुपीज़। ये बेसिकली गाड़ी की जो लुक है उसको भी एनहांस करता है, एंड साथ में प्रोटेक्शन भी देता है, तो एक्चुअल बम्पर जो है वो डैमेज नहीं होता इन केस ऑफ कोलिजन, तो मेन इम्पैक्ट इस पर ही पड़ता है। तो दोनों तरीके से ये बेनिफिशियल है, तो आप करवा सकते हैं इंस्टॉल। एंड यहाँ पे आप बटन प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाएगा, ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट, और ये है टोटल बूट स्पेस। सो यहाँ पे पार्सल शेल्फ जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो 2500 में बाद में इंस्टॉल हो जाते हैं हुंडई ओरिजिनल। एंड देन ये जो सीट्स है ये 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ आती हैं, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट दिया गया है, बट रिक्लाइनेबल नहीं है। जो रिक्लाइनेबल सीट्स है वो यहाँ पे जैसे ये है तो रिक्लाइन वो यहाँ तक हो जाती है, तो आप लगा सकते हैं अराउंड यहाँ पे 2-3 इंचेस का डिफरेंस आ जाता है, तो उसमें कम्फर्ट जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे ग्रॉसरी हुक मिलेगा, यहाँ पे कुछ स्टोरेज एरिया, उस साइड आप देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ स्टोरेज एरिया, एक लगेज लैंप ऊपर की तरफ, और 60-40 स्प्लिट फंक्शन गाइज आपको पहले इस मॉडल में नहीं मिलता था, अब ऐड कर दिया गया। सो ये 40% पार्ट है, तो यहाँ पे अगर आपने कुछ ऐसी लॉन्ग सामान रखनी हो, अपनी गोल्फ किट या फिर क्रिकेट किट रखनी हो, तो वो आप आराम से रख सकते हैं। देन यहाँ पे रियर में कोई बैठ भी सकता है, बेंच फोल्डिंग सीट में वो मुश्किल हो जाता है, और इसको भी ऐसे फोल्ड कर देते हैं, तो बूट स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया, वेरी प्रैक्टिकल। और इसको उठाते हैं तो यहाँ पे स्पेयर टायर जो कि स्टील व्हील है, और इसके साइज़ देखें तो ये है इसका साइज 16 इंचेस, वही सेम साइज़ है 205x65। तो टायर चेंज करवाने के बाद
आप इसे आराम से चला सकते हैं, 80 की स्पीड पे रिस्ट्रिक्शन नहीं हमें मिलेगी, बिकॉज अगर साइज छोटा होता है तो टेम्परेरी तरीके से वो काम करता है, तो 80 की स्पीड हम क्रॉस वहाँ पे नहीं कर पाते। एंड इसी के साथ गाइस अदर फीचर्स की बात करें, सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इवन यहाँ पे 6 एयर बैग्स दिए गए हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, साथ में हिल स्टार्ट असिस्ट, ESP, तो बहुत ही कमाल के यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल है, लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। एंड अब बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ से बोनेट को ओपन करते हैं और यहाँ पे अब आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, जो कि माइलेज काफ़ी इंक्रीज कर देगा। सो अब यहाँ पे जो 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता था आपको टॉप एंड ट्रिम में, वो नहीं मिलता, एंड समहाउ मुझे लग रहा है इसको थोड़ा सा हैवी कर दिया गया पहले से। तो 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन डिसकंटिन्यू कर दिया गया, अब आपको 1.5 लीटर फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, एंड 1.5 लीटर यहाँ पे डीजल इंजन दिया गया, विच इज़ टर्बो डीजल इंजन। देन यहाँ पे काफ़ी अच्छा साउंड एंडिंग मटेरियल यूज़ करा गया है, दोनों ही इंजन जो है वो BS6 फेज 2 कंप्लायंट है, ट्यून्ड है, तो पावर वगैरह चेंज करी गई है, और साथ में माइलेज क्या रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल टेस्ट ड्राइव रिव्यू में। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो साउंड एंडिंग मटेरियल यूज़ करे गए हैं, और अंडरबॉडी आपको इंजन गार्ड भी देखने को मिल जाता है। सो इसका एक डिटेल टेस्ट ड्राइव भी आएगा, मेक श्योर टू वॉच दैट, ताकि आप अपना माइंड मेकअप कर सके कि इसको परचेज करना वर्थ इट है या फिर नहीं है। एंड अब चेक करते हैं इंटीरियर्स, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या फीचर्स दिए गए। तो गाइज अब चेक करते हैं इंटीरियर्स, एंड कुछ ऐसी आपको कीज मिलेगी लॉक अनलॉक एंड टेल गेट स्विच के साथ, काफ़ी प्रीमियम कीज हैं ये। एंड कार को ऑन कर लेते हैं। सो वेलकम फंक्शन, एंड ये है डैशबोर्ड की लुक। सो यहाँ पे डुअल टोन इंटीरियर्स अवेलेबल हैं, और साथ में डुअल टोन फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, और ड्राइवर साइड सीट की हम हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपनर मिल जाता है, यहाँ पे क्लच फुटरेस्ट, साथ में यहाँ पे अब न्यू फीचर ऐड करा गया जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, सो इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली गाड़ी जब हॉल्ट पे आएगी तो जो कार है वो ऑफ हो जाती है, बैटरी पे आ जाती है, तो उस वजह से जो फ्यूल है सेव हो जाता है, तो माइलेज इंक्रीज हो जाती है। तो ये BS6 फेज 2 के लिए करा गया। एंड देन यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर, एंड दोस्तों ये है फ्रंट डोर की लुक, ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिलेगा, इन साइड डोर हैंडल, लॉक अनलॉक बटन, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं है। देन यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज, ड्राइवर साइड ऑटो अप और ऑटो डाउन नहीं मिलेगी, ऑटो डाउन भी नहीं दी गई, एंड जितने भी कंट्रोल्स है सिर्फ ड्राइवर साइड पावर विंडो कंट्रोल ही एल्यूमिनेटेड है। देन यहाँ पे ट्विन बॉटल होल्डर स्पेस, डोर पॉकेट, स्पीकर एंड क्विटर्स। अब अंदर चलते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, यहाँ पे कूलिंग फंक्शन इस मॉडल में नहीं दिया गया। देन यहाँ पे वैनिटी मिरर, सेंटर में देखेंगे तो 2 हेलोजन लाइट्स एंड सनग्लास होल्डर। इसी के साथ यहाँ पे डे एंड नाइट आपको IRVM मिल जाएगा, इस साइड यहाँ पे आपको टॉयलेट सीट होल्डर मिलेगा, वैनिटी मिरर यहाँ पे नहीं दिया गया, और सेंटर में आर्मरेस्ट अवेलेबल है, फिक्स्ड आर्मरेस्ट से एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कुशनिंग दी गई। तो यहाँ पे काफ़ी वाइड और काफ़ी डीप आपको स्टोरेज एरिया मिल जाएगा, और इसके आगे यहाँ पे ट्विन कप होल्डर स्पेस। एंड गाइज ये है इन्वॉल्व की मेड इन इंडिया परफ्यूम, इन्वॉल्व वन क्लासिक। सो बेसिकली गाइज इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो दुबई में जैसे ओद होता है, जो बहुत ही हाई क्वालिटी परफ्यूम रहती है, वैसी फ्रेग्रेंस दी गई है, हुक्का फ्लेवर फ्रेग्रेंस है, और बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही डिफरेंट इसकी फ्रेग्रेंस है। तो यू कैन ट्राई दिस परफ्यूम, यहाँ से फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं, involvesenses.com पे आप जाएं अभी के अभी, यूज कूपन को टीम गार्ड रेड टू गेट 10% ऑफ। एंड इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गियरबॉक्स मिल जाता है, लेदर ऐप नहीं दिया गया, तो यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले, जो रियर कैमरा है वो अवेलेबल नहीं है, बाद में आप लगवा सकते हैं उसका डिस्प्ले, आप यहाँ पे ले सकते हैं, बट कैमरा इन बिल्ड नहीं दिया गया। वायरलेस चार्जर भी अवेलेबल नहीं है, वो भी बाद में यहाँ पे लग जाएगा। देन 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एक USB पोर्ट और एक आपको मिलेगा यहाँ पे USB चार्जर, दोनों जो हैं वो एल्यूमिनेटेड है, और साथ में मैनुअल AC विद हीटर, बहुत ही छोटी सी नॉब दी गई है।
एसी जो है काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है, बहुत ही एफिशिएंट है। और ये है 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो आपको मिल जाएगा, बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, कोई वायर वायर लगाने का झंझट ही नहीं रहता। तो यहाँ पे आपको वो सब मिल जाएगा। इनबिल्ट नेविगेशन नहीं देगी, एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू आप नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं। बाकी USB ब्लूटूथ रेडियो अवेलेबल है, 4 स्पीकर्स एंड 2 फ्रंट वेडर्स मिल जाते हैं। एंड दोस्तों ये है स्टेयरिंग व्हील की लुक, तो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील दिया गया है, एडजस्टमेंट भी अवेलेबल है। सो टिल्ट एडजस्टमेंट टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे सिल्वर फिनिश दी गई है। लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो कुछ कंट्रोल्स, ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड कंट्रोल। इस साइड आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलते, सिर्फ MID कंट्रोल दिए गए हैं। वाइपर कंट्रोल्स इस साइड एंड हेडलैम्प कंट्रोल इस साइड। सो वाइपर भी यहाँ पे 2 वाइपर वॉशर है, स्कैटर्ड स्प्रे करती है, काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन कर देती है। देन ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले होता है। देन यहाँ पे टायर प्रेशर की इन्फॉर्मेशन, डिस्टेंस टू MT और एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, और डुअल ट्रिप मीटर जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, माइलेज और इंजन रनिंग टाइम शो करेगा। डिजिटल लाइव स्पीड भी मिल जाएगी और यहाँ पे कुछ सेटिंग दी गई है। सो लाइट की सेटिंग आपको मिल जाएगी, जो कैबिन की एल्यूमिनेशन है उसको हम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। और साथ में 1 टच इंडिकेटर, कितने इंडिकेटर्स आपको चाहिए, 3, 5 और 7। एंड यहाँ पे हेडलैम्प डिले ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं हम इसको, जो कि फॉलो मी होम और लीड मी टू द व्हीकल फंक्शन है। डोर की सेटिंग मिल जाती है, ऑटो डोर लॉक अनलॉक अगर आप नहीं चाहते हो तो फिर वो आप ऑफ कर सकते हैं। वेलकम फंक्शन साउंड जो है उसे आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे जो हेडलैम्प और ये वाइपर का डिस्प्ले मिलता है इसको भी आप चाहें तो ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो बेसिक सारी सेटिंग जो है वो आपको यहाँ पे क्लस्टर में मिल जाती है। सर्विस रिमाइंडर भी आपको मिल जाएगा, कोई भी डोर ओपन होगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा एग्जैक्ट डोर ओपन है। अगर हम बोनेट ओपन करते हैं तो यहाँ पे बोनेट का रिमाइंडर आपको नहीं मिलता, बट बोनेट का रिमाइंडर जो है वो i20 में एंड वेन्यू में मिल जाता है, यहाँ पे नहीं मिलेगा। और ये है रियर डोर की लुक, सो स्पीकर, बॉटल होल्डर एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये है रियर सीट्स। दो यहाँ पे आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलेगी, सेंटर में आर्मरेस्ट नहीं दी गई, तो यहाँ पे पॉकेट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आपको पॉकेट मिल जाती है। देन यहाँ पे रियर एसी वेंट, जिसका फ्लो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी प्रीमियम भी है ये। यहाँ पे आपको एक पॉकेट मिल जाती है, मोबाइल पॉकेट, यहाँ पे एक शायद USB चार्जर पहले अवेलेबल था जो रिमूव कर दिया गया है अब। सो यहाँ पे आप बाद में USB चार्जर जो है वो इंस्टॉल आप करवा सकते हैं, जो कि 350 में हो जाता है और 12 वोल्ट का सॉकेट 250 में हो जाता है। यहाँ पे दिया गया ग्रैब हैंडल, यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल है बट विदाउट कोट हैंगर्स। और यहाँ पे आपको सेंटर में एक लैम्प मिल जाता है। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एयर बैग की बैजिंग, 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे। और ये है डैशबोर्ड की लुक, फटाफट से गाइस जाके वेबसाइट को जरूर चेक करें, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आपके कोई भी डाउट्स है फटाफट से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।